Hello students, so welcome again in new session. Okay, in previous lecture हमने permittivity के about study किया. जिन्होंने permittivity अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे lecture number 14 में आप देख सकते हो. अब this is lecture number 15. Okay. So my dear student, now we will discuss about dielectric constant. ये dielectric constant क्या है? नाम से ही पता चल रहा है. Dielectric constant क्या है? एक constant होता है. ठीक है, बट ये कैसा कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे. किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे. अब हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली होता क्या है. ओके, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन, एक रिलेटिव सिचुएशन स्टडी करेंगे. जो हमने परमिटिविटी लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2. दोनों चार्ज को हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और पहले हमने एयर में रखा है. फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इन्हीं चार्जेस को, सेम चार्जेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सेम है, और अब हमने इन दोनों चार्जेस को कहां पे रख दिया, किसी मीडियम में. ओके, नाउ मीडियम और पहले क्या था, एयर या वैक्यूम, वैक्यूम है. तो ऑब्वियसली बात है, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना रहेगा, एफ वैक्यूम, कुछ वैल्यू आएगी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे. मीडियम के केस में वैल्यू कितनी रहने वाली है, एफ मीडियम. सो दोनों की हम फोर्स क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो डेफिनेशन है, वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, ये कहती है कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर एट सम डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट सेम, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, सेम चार्ज प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस प्लेस्ड इन ए मीडियम. तो क्या है यहां पे, ये रेशियो होगा फोर्स, फोर्सेस का रेशियो होगा. एक तो फोर्स जब वैक्यूम या एयर के केस में आती है और दूसरी क्या है, फोर्स किसके केस में आती है, मीडियम के केस में. तो इनका जो रेशियो है वो क्या बनता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब के को और आगे ज्यादा और आगे स्टडी करेंगे. वैक्यूम, वैक्यूम दोनों चार्ज है, वैक्यूम में रखे हैं, तो इनके बीच में फोर्स निकालो कितनी बनेगी, 1/4πε0Q1Q2r² / जब मीडियम में रखते हैं तब उनके बीच में फोर्स कितनी होती है बेटा, 1/4πε0Q1Q2r². तो यहां से हम क्या करेंगे, जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो. तो Q1 ये क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है. कैंसिल आउट करने के बाद में आपको पता है K की वैल्यू कितनी बचने वाली है, यहां से तो 1/ε बचा, ये 1/ε0 इसके नीचे कितना, ये एप्सिलॉन तो नहीं कटेगा ना, 1/4π ही कटेगा. नीचे क्या बच रहा है यहां पे, 1/ε, तो एप्सिलॉन कहां आ जाएगा, ऊपर. सो फाइनली हमें के की वैल्यू कितनी मिलेगी, εε/εo. ओके, फिर क्या है कि के की वैल्यू परमिटिविटी की टर्म्स में आ गई. क्या आ गई, परमिटिविटी की टर्म्स से. हमने यहां से देखा के को हम क्या लिख सकते हैं, εε/εo. फिर हमने इन दोनों के रेशियो को एक नया नाम दिया. क्या दिया, एक नया नाम, और वो क्या था, दैट वाज एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी. क्या चीज होता है, रिलेटिव परमिटिविटी. और रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और ये किस किस का रेशियो होता है, परमिटिविटी मीडियम में और किसकी परमिटिविटी, एयर में. ओके, सो इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी इन मीडियम एंड एयर. मीडियम और एयर के बीच का क्या होता है, रेशियो होता है. सो फाइनली हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया है, और इस रिलेशन का हम न्यूमेरिकल में कई बार यूज करेंगे. एक इनसे एक मास्टर रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो. आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम एंड इन मीडियम. ओके,
वैक्यूम एंड मीडियम। और आपने क्या देखा, के को आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से आ गया था। इसको क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के रेशियो को हमने किसका नाम दिया, रिलेटिव परमिटिविटी का। सो फाइनली आपके पास में ये रिलेशन आ चुका है और ये हम आगे फर्दर यूज करेंगे। फिर क्या है, के की वैल्यू, के क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, सो के की वैल्यू है, वैक्यूम के लिए कितनी रहेगी, वन। वैक्यूम के केस में क्या रहेगा, वन। के की वैल्यू 1.00054, ये किसके केस में रहेगी, एयर में। और के की वैल्यू 5.1, आई थिंक अप्रोक्सीमेट 5.1 या 2 होता है, ये किसके लिए होती है, डायमंड के लिए। किसके लिए होती है, डायमंड के लिए। और के की वैल्यू इंफिनिटी, इनफाइनाइट, कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, ये होती है मेटल के लिए। क्योंकि देखो अभी हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अभी आप जब जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, वहां पोलराइजेशन वगैरह टॉपिक पढ़ोगे, तो यहाँ पे आप, वहां पे आप देखोगे कि मेटल का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होता है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने अभी तक ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और ना ही पोलराइजेशन पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो ओके, सो आपको रिलेटिव परमिटिविटी के अबाउट आइडिया आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये मास्टर रिलेशन आपको याद रखना है और इस मास्टर रिलेशन की हेल्प से हम क्या कई सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, सो एक और चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कि आप, हाँ, एक के की वैल्यू वोटर के केस में और देख लो, के की वैल्यू जो वोटर के केस में होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। के वोटर के लिए होता है 80, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड है ना डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, आता है आपके सीबीएसई पूछता है एग्जाम में। ओके, मैं आपको बता देता हूं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसको रब कर देता हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके है ना ये सारा नोट कर लेंगे। देखो क्या होता है, सीबीएसई कहता है कि देखो आप एक स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केस क्या है, देखो आपको पता है वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, और के का फॉर्मूला क्या होता है, के को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप स्मॉल के भी लिख सकते हो, कैपिटल के में कुछ बुक स्मॉल के लिखेंगे कुछ कैपिटल, हमने दोनों ही लिख दिए हैं। ओके, सो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि जो के को हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो होता है ये दोनों चार्ज का, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जब एयर में होती है, सॉरी वैक्यूम में होती है और मीडियम में होती है, ये हमने अभी यहां पे देखा था। अब क्या कह रहे हैं कि आपको फोर्स मीडियम के केस में निकालनी हो, क्या है मीडियम के केस में निकालनी हो, तो वैक्यूम वाले केस को क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब दो चार्जेस को किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो उनकी जो फोर्स है, जो पहले वैक्यूम में उनमें फोर्स थी, वो 1/k के टाइम क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये 1/k के टाइम हो जाएगी। ओके, सो आप लिखोगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम will be 1/k times of 1/k will be equal to 1/k times of force between them in vacuum। okay, तो वैक्यूम के किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, 1/k टाइम्स ऑफ वैक्यूम हो जाएगी। ओके, सो उम्मीद कर, अब फिर आपसे जो फाइनली जो सीबीएसई क्या कहता है, वो आपसे क्या पूछता है, कह रहा है कि दो चार्जेस है। ओके, कहता है कि दो चार्जेस है,
और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, और दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है एफ है। फिर क्या करता है, दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में लेके जाते हैं। सेम चार्जेस है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और जिस मीडियम में लेके जाते हैं उस मीडियम का के कितना है, 80 है। यूं भी बता देता है कि कहां लेके जाते हैं, वाटर में। अब पूछ रहा है कि इस मीडियम में फोर्स कितनी होगी, एफ डैश फोर्स कितनी होगी, कितनी होगी। के का फॉर्मूला पता है ना, के क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम और एयर अपॉन में फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। आपको निकालनी कहा है, मीडियम में एफ डैश की वैल्यू, तो एफ डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, एफ अपॉन में के। सो एफ अपॉन में के की वैल्यू कितनी है, 80। तो मतलब क्या है, फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ force that was present in case of vacuum or air। दोनों चार्ज को पहले रखा था, मतलब पहले जितनी फोर्स थी वो 1/80 टाइम डिक्रीज कर जाएगी जब दोनों चार्जेस को हम सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वाटर में रखेंगे तो। ओके, सो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सारा पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में क्या इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।